तो पत्रकारों का संग्राम कल यानी क्रिकेट की सूरत में हम आपको दिखाएंगे और मैं भी उसमें शामिल रहूँगा। आप भी आइए देखने के लिए अगर आपको क्रिकेट। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं डीडी ग्राउंड की यानी डीडी स्पोर्ट्स का। इस वक्त हम जहाँ बैठे हैं कल यहाँ होगा पत्रकारों का संग्राम। शायद पहली बार हमारे दर्शक सुन रहे होंगे पत्रकारों का संग्राम। मतलब पत्रकार तो आमतौर से कलम चला देता है या कैमरा चला देता है, वो संग्राम अलग है। मगर कल भिनार में ये स्टेडियम मौजूद है डीडी ग्राउंड। यहाँ कल पत्रकारों का टूर्नामेंट होना है और टूर्नामेंट में कौन पत्रकार या कौन सी टीम कितना कमाल दिखाएगी वो हम बात कल करेंगे। मगर आज बात कर रहे हैं इस प्रोग्राम के जो आयोजक टीम है उसमें से एक रवि वर्मा हमारे साथ हैं और वो ख़ुद अच्छे पत्रकार भी हैं और पत्रकारों की बात समझते भी हैं। और बड़ी बात ये है कि इसमें एक दर्जन टीमें पत्रकारों की खेलने वाली हैं अलग अलग से, हम जानेंगे। रवि वर्मा, बताइए कि ये जो प्रोग्राम है अनोखा प्रोग्राम है, क्योंकि मैंने 31वां साल है मेरा, मैंने कभी ऐसा सुना नहीं कि पत्रकारों का स्पोर्ट्स का प्रोग्राम इस तरह का ऐसा जिसमें सिर्फ पत्रकार ही रहेंगे, तो उसके बारे में कुछ बताइए दर्शकों को। सर, पत्रकारिता करते हुए जैसे मैंने देखा कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, ये सब अपने अपने जो पेशा है, जो काम करते हैं उस पेशे में एक दिन अपने लिए तो निकालते हैं और एक दिन आकर सब मिलजुल कर कोई ना कोई खेल गेट टुगेदर करते या फिर कोई क्रीड़ा स्पर्धा रखते हैं। उस हिसाब से तो मैंने भी सोचा कि सब लोग जब कर रहे हैं तो हम लोग क्यों ना करें। तो मैंने सोचा कि भिवंडी से मैंने देखा कि भिवंडी, शाहपुर, मुरबाड़ ऐसे पूरे ठाणे ज़िले में जितने भी पत्रकार हैं उनसे संपर्क किया, उनका जायज़ा लिया कि अगर वो खेल सकते हैं क्या। तो देखा कि उन लोगों का उत्साह बहुत था क्रिकेट टीम के लिए, तो मैंने सोचा कि रखते हैं, एक बार करके देखते क्या उत्साह मिलता है। बहुत अच्छा उत्साह उन लोग का मिला है और लगभग तालुका से, ज़िला से लगभग 12 टीम आकर कल खेलने वाली है और बड़ा नियोजन किया गया है। भिवंडी के सभी मान्यवर इस आने वाले हैं। इसमें भिवंडी की कितनी टीम है पत्रकारों की? भिवंडी की लगभग तीन टीम है और बाकी मुरबाड़ है, शाहपुर है, कल्याण है, ठाणे शहर, ऐसे जितने भी ठाणे डिस्ट्रिक्ट में तालुका है वो सबसे टीम आकर यहाँ पर कल खेलेगी। अच्छा, इस प्रोग्राम में प्रमुख अतिथि कौन है? प्रमुख अतिथि हमने सबको इन्वाइट किया है, आमदार हो, खासदार हो, या फिर जो पॉलिटिकल अलग अलग पार्टी के नेता हो, या फिर समाज सेवक हो, ऐसे जो भी जिनसे जिनसे भी संपर्क हो पाया उन सबको संपर्क किया और सब आने के लिए हम बोले हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं, जो टीम जीतेगी यानी फर्स्ट प्राइज जिसे मिलेगी या सेकंड प्राइज मिलेगी या और भी कुछ टीमों को अवार्ड मिलेंगे, तो इस तरह की जो टीमें यहाँ आने वाली हैं वो जिस पायदान पर भी पहुँचेंगी तो उन्हें क्या इनाम मिलने वाले यानी गिफ्ट? देखिए, जिला से सब टीम आ रही है तो हम लोगों ने जो भी टीम आएगी उनके लिए अवार्ड रखा है। जो भी टीम यहाँ पर आके खेलेगी उनको हम एक प्राइज देंगे, जो सहभागी संघ होंगे उनके लिए एक प्राइज है, और जो फर्स्ट द्वितीय ऐसे आएंगे उनको भी हम लोग बड़ी ट्रॉफी देने वाले हैं। रवि वर्मा जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल है, हालांकि सवाल छोटा सा तो है मगर उसमें अगर सोचेंगे तो बहुत बड़ा है। चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि पत्रकारों के लिए आपने जो प्रोग्राम किया है इसमें आप क्या आह्वान करना चाहेंगे आगे के लिए? अभी तक तो मैंने देखा कि पत्रकारों ने बहुत अच्छा सहकार्य किया है और आगे कल आकर खेल में देकर खेल कर भी बहुत बड़े पैमाने पर आकर प्रोग्राम सफल बनाएंगे, ऐसी मुझे आशा है। धन्यवाद। तो पत्रकारों का संग्राम कल यानी क्रिकेट की सूरत में हम आपको दिखाएंगे और मैं भी उसमें शामिल रहूँगा। आप भी आइए देखने के लिए अगर आपको क्रिकेट पसंद है। ये ज़रूरी नहीं कि आप पत्रकार हो, आप वैसे भी आ सकते हैं। मैं सलमान मेमन के साथ खान पर। उत्तर प्रदेश के मऊनाथ भंजन का सूरज मार्का लाल तेल चोट मोच दर्द में बहुत ही लाभदायक, बहुत ही काम का। भिवंडी शहर में मिलने का ठिकाना याद रखें, फिरदोस परफ्यूमर्स, बागे फिरदोस मस्जिद के पास, चौथा निज़ामपुर, भिवंडी। मोबाइल नंबर आपके स्क्रीन पर।